हेलो, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप कैसे आप यूज करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड बिजनेस बढ़ाने के लिए मतलब आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आज व्हाट्सएप जिस तरह से लोग यूज करते हैं, आपको उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स तक सही इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, अपने मशीनों के बारे में, जो मशीनें हैं अवेलेबल हायरिंग के लिए या सेल के लिए, ये सारी चीजें सही तरीके से पहुंचाने के लिए क्या एग्जैक्टली करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो भी मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि चीजें सिंपल तरीके से आप यूटिलाइज कर सके। फर्स्ट पॉइंट है शेयर वैल्यूएबल कंटेंट ऑन बिजनेस ग्रुप। आप मल्टीपल बिजनेस ग्रुप्स में होंगे, आपसे जितना पॉसिबल हो सकता है बिजनेस ग्रो करने के लिए, खुद की भी और दूसरे की भी बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्प करने में जो भी पॉसिबल आप शेयर कर सकते हो वो शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो एंड आपका भी उससे फायदा हो। आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पे मतलब सिर्फ बिजनेस रिलेटेड चीजें ही शेयर करें इन द बिजनेस ग्रुप्स। और अदर एक्टिविटीज यू कैन हैव अदर ग्रुप्स, जैसे दूसरे ग्रुप्स आपने बना लिए एंड उसमें आप बाकी चीजें शेयर कर रहे हो। आप अपने दोस्तों का ग्रुप होता है, स्कूल का, कॉलेज का, हर हर तरह के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें आप बाकी आपके जो भी फॉरवर्ड्स है, जो आपको लगता है कि आपको सोशली करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें कीजिए। बट बिजनेस ग्रुप्स को स्पेसिफिक रखिए कि उसमें सिर्फ बिजनेस रिलेटेड चीजें डिस्कस हो। फर्स्ट, सेकेंड, स्टॉप शेयरिंग फेक न्यूजेस एंड मतलब फेक लिंक। होता है ऐसा है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली हम बिकॉज वी आर डीलिंग इन टू वेबसाइट एंड ऑल इतने साल से, तो वी एग्जैक्टली नो कि कौन से लिंक्स फेक है एंड कौन से। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो लोग चाहते हैं कि लोग उस पर क्लिक करें उस वेबसाइट पे एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उनके जा सकते हैं, ये इतना रिस्की होता है। तो हमेशा ही केयर कीजिए कि आप कोई भी इस तरह के मतलब ऑफर्स है या इस तरह के कोई वायरल मैसेजेस भेज रहे हैं तो उन चीज़ों को जल्दी फॉरवर्ड नहीं कीजिए, क्योंकि वायरल मैसेजेस नॉर्मली अनलेस एंड अंटिल उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप समझते हो कि वो किसी जेन्युइन सोर्स से आ रहा है, तब तक आपको कोई भी इस तरह के लिंक्स को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, किसी भी व्हाट्सएप पर्सनल लेवल पे भी या ग्रुप्स में भी। तो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू। मोस्ट मोर बिजनेस रिलेटेड थिंग, मतलब आपने अगर कहीं आपने न्यूज में देखा है कि कुछ बिजनेस से मतलब नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या फिर कोई और चीज है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट करती रहती है कि नए नए प्रोजेक्ट्स है इस एरिया में, हर स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, मतलब सिटी वाइज, हर चीज मतलब आते रहती है, तो आपको वो यूटिलाइज करना चाहिए एंड आपका इन्फॉर्मेशन, आपका नॉलेज जो बिजनेस से रिलेटेड है आप जो शेयर कर सकते हो। जैसे अभी मैं इस वीडियोस के थ्रू यही शेयर कर रहा हूँ कि जो भी मेरा नॉलेज है, जो मैं बता सकता हूँ कि आप अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो, तो इनमें से एक चीज है कि आपका कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे या और भी जो भी कम्युनिकेशन चैनल आप यूज करते हो तो उन चीजों में आप जितना हो सके वैल्यूएबल चीजें दे दीजिए जो जेन्युइनली किसी और के काम में है, ताकि उसको भी यूज हो एंड आपको भी अच्छा लगे कि आपने कुछ अच्छा किया है। व्हाट्सएप की स्टेटस है आपको पता है, तो व्हाट्सएप की स्टेटस में आप बहुत कुछ कर सकते हो। व्हाट्सएप के स्टेटस में क्या होता है कि आप अपने वर्किंग मशीन के फोटोज वीडियोज डाल सकते हो, तो क्या होता है आपसे कनेक्टेड काफी सारे लोग हैं जो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस है वो देखते हैं, जो 24 आवर्स के लिए एक्टिव होता है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि उस पर अपने मशीन के अपने काम करते हुए डाले या फिर उस पर अपने डाला कि अवेलेबल है हायरिंग के लिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ बिकॉज क्रेन प्लस में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ट्राई एंड टेस्ट करते हैं एंड इससे भी बहुत सारी इंक्वायरीज आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो व्हाट्सएप का स्टेटस है उसमें कुछ भी फालतू वीडियोज डालने की जगह, मेरे भी अगर कोई लोग कनेक्टेड आप देख सकते हो, मैं बहुत सारे पॉजिटिव चीजें शेयर करता हूँ, तो वो रीजन ये है कि मैं किसी को बॉदर नहीं करना चाहता कि उनके पर्सनल इस पे पॉजिटिव मैसेजेस रोज भेजूं, तो मैं क्या करता हूँ अपने स्टेटस पे डालता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग, आज 2,000 2,500 से ज्यादा लोग पर डे देखते हैं तो कनेक्टेड है एंड बहुत सारे लोग मुझको मैसेज करते हैं कि आई वी फील पॉजिटिव सीइंग योर व्हाट्सएप स्टेटस, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में डिफरेंस हो रहा है। तो यू ऑल्सो कैन मेक दैट डिफरेंस कि अपने आप के लिए कीजिए, आप अपने मशीन, अपनी चीजें, अपनी जो अवेलेबल हायरिंग के लिए, जो सेल के लिए, वो सारी चीजें आप स्टेटस पे रेगुलर बेसिस पे डालिए। एक ही मशीन बार बार मत डालिए, वो थोड़ा सा फिर कोई देखेगा भी नहीं जल्दी। ऐसी चीजें डालिए जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। मशीन से रिलेटेड कुछ डाल दीजिए, जैसे न्यूज डालते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग न्यूज में डालते हैं, आप उनमें से कुछ न्यूज का सहारा ले सकते हैं। तो जहाँ पे जैसे हम लोग ने डाला था बीच में कि इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो होने वाली है, तो वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं जिससे वैल्यू बेसिकली जाए। हैव फन इन पर्सनल फैमिली एंड मतलब फैमिली ग्रुप्स है आपके, उसमें यू कैन हैव फन, फनी वीडियोस भेज रहे हो, सो कुछ भी भेज रहे हो तो व्हाट्सएप, लेकिन बाकी मतलब आप अपना एक फैमिली लाइफ अलग से वो कर सकते हो उसमें, एंड जो प्रोफेशनलिज्म है वो उसमें आप बिजनेस से रिलेटेड चीजें ही डालिए तो
आपके लिए ज्यादा बेटर है कि आप अपना आपको ऐसा जो लगता है कि हाँ पांच चीजें जो शेयर करनी चाहिए वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किए, एंड बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बिजनेस से रिलेटेड वो बिजनेस ग्रुप में या अपने स्टेटस पे या इस तरह की चीजों पे शेयर कीजिए। एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सजेशन कि व्हाट्सएप पे आप ये कर सकते हैं, आप जैसे अपने ऑफिस के स्टाफ का टीम का आपने ग्रुप बना लिया, जैसे कोई चीज कम्युनिकेट करना है फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है आपने व्हाट्सएप पे बनाया, आपने जैसे हम लोग ने गैरेज का एक अलग ग्रुप है, उसके बाद पोस्टिंग का अलग ग्रुप है, उसके बाद मेंटेनेंस का अलग ग्रुप है, उसके बाद जो एडमिन काम करते हैं उसका अलग ग्रुप है, टेस्टिंग का अलग ग्रुप है। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं कि जिन जो जिससे कनेक्टेड है बस वो उसी ग्रुप में है, और जो जिनको सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे लोग उस ग्रुप में है। तो इससे क्या होगा, आपका काम इजी हो जाता है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने मतलब अपने इंटरनल कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप खुद का कंपनी का ग्रुप बना के उसमें आप कर सकते हैं, जिससे आपकी चीजें इजी हो जाए। 10 लोगों को 10 बात बताने की जरूरत नहीं, आपने एक चीज एक जगह पे डाल दिया वो बाकी जगह कम्युनिकेट हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं हम लोग वीडियो बनाए तो आप हम लोग को कमेंट में डालिए, इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे तो वो चेक कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, एंड और भी कुछ आपको रिक्वायर्ड होगा तो डू लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू कनेक्ट एंड और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।